नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि एमआई के फ़ोनों का आज हम बताएंगे बेसबैंड के बारे में। दोस्तों, तो मैं आज आपको थोड़ा बेसबैंड से रिलेटेड वो मैं उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि उन टेक्नीशियन को के लिए दोस्तों जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो बिल्कुल इस फील्ड में सॉफ्टवेयर के फील्ड में नए हैं, वो उनके लिए है। और जो जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम उनके लिए ये बता रहे हैं कि आप जैसे एमआई के फ़ोन, मैं अभी एमआई का लेके चल रहा हूँ दोस्तों, तो एमआई के फ़ोनों में क्या होता है, बेसबैंड चला जाता है। तो बेसबैंड चला जाता है तो आपको करना क्या है, हम सारा स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं, फॉलो करना बताएंगे आपको कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं आपको सारा चीज़ बता देता हूँ कि कहाँ से आपको क्या करना है बेसबैंड के लिए। बेसबैंड रिपेयर दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, बेसबैंड रिपेयर हम करेंगे। और जिसका बेसबैंड चला जाता है, बेसबैंड में बता दूं, एक नेटवर्क की फ़ाइल होती है। सबसे पहले बता दूं, अगर एमआई के फ़ोनों में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप जाके उसका बेसबैंड चेक करिए कि उसका बेसबैंड आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वही बेसबैंड हम उसको रिपेयर करेंगे कि बेसबैंड कैसे रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारा बताएंगे इसमें। चलिए, तो हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं दोस्तों कि आपको एमआई के फ़ोन में डायग्नोस्टिक पोर्ट पे होता है बेसबैंड रिपेयर, डायग्नोस्टिक पोर्ट। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, डायग्नोस्टिक पोर्ट से ही आपका बेसबैंड रिपेयर होगा, मैं आपको पहले बता दूं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं कि डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यही बता दें, एमआई के फ़ोनों में आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करना होता है। क्या करना होता है दोस्तों, आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट पे ही वो वर्क करेगा, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, कॉल, क्योंकि एमआई के फ़ोन में कॉलकम और मेडाटेक दोनों आते हैं, तो इनेबल यूएसबी डायग्नोस्टिक पोर्ट आपको करना है। तो पहला स्टेप ये देखिए, आपका ऑप्शन, आप इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, ठीक है। तो दोस्तों, आप बिल्ड पे जाएंगे, फिर आपको वर्जन पे जाना है, एमआईयूआई के वर्जन में डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। कौन सा दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन, आपको एमआईयूआई के वर्जन में जाना है, एमआई के फ़ोनों में उसको 7 बार क्लिक करना है, फिर डेवलपर ऑप्शन में जाना है। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन में जाने के बाद फिर आपको यूएसबी डिबगिंग दिख रहा होगा, एक ये मैं आपको बता दूं, ये यूएसबी डिबगिंग आपको दिख रहा होगा, आपको ये यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना है। ये पहला स्टेप होता है आपका, आपको डेवलपर सेटिंग में जाके, एमआईयूआई में जा करके आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। दोस्तों, मैं बता दूं, फिर आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके यूएसबी डिबगिंग को इनेबल करना है, इससे आपका डीबगिंग ऑन हो जाएगा, डायग्नोस्टिक पोर्ट जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप दूसरा तरीका, आप मेरकल से भी डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉलकम में जाना है, रिपेयर में जाना है, फिर उसके बाद आपको वही मॉडल लेना है, पहले तो कॉलकम मेथड, फिर आपको पोर्ट 9 पोर्ट लेना है, फिर आपका इनेबल आप डायग्नोस्टिक पोर्ट कर सकते हैं आपका। दोस्तों, मैं बता दूं, तीसरा तरीका, आप यूएमटी से भी, क्यूसी फायर से भी कर सकते हैं एमआई के फ़ोनों में इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट, ठीक है। तो पहला तरीका ज़्यादातर, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, पहला तो आपको सेटिंग्स जाके एमआईयूआई में जा करके आपका यहीं से डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको ये सारे सेटअप को फॉलो करना है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं, इसके कोड भी होते हैं, डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करने के लिए कोड भी होता है। तो मैं आपको बता दूं, ओप्पो का डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करने के लिए आपको *#801#, आपको ये दबाना है, इससे आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सेटिंग में जाके डीबगिंग यूएसबी डीबग को ऑन कर दीजिए, फिर भी आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन हो जाएगा। और मैं बता दूं आपका, ओप्पो के लिए *#801# आप इसमें डायल करेंगे तो आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन हो जाएगा। मैं बता दूं, वीवो का डायग्नोस्टिक पोर्ट है *#555#, आप ये कोड डालेंगे तो आपका फिर भी डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हमारा एमआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, एमआई के फ़ोनों को आपका बेसबैंड रिपेयर करने की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको बता दें, यही आपका देखिए *##13491#*#*, ये आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट पे ही वर्क करेगा। मैं आपको बता दूं, बेसबैंड रिपेयर आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट पे ही होगा, इसलिए आपको यह कोड आपको
उसमें डायल करना है। अगर USB डीबगिंग आप सेटिंग में जाके डेवलपर में जाके वो ऑन नहीं होता है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने सबसे मेन मोटिव आपको ये फ्रेशर के लिए वीडियो बनाया है हमने, ये जो उनको पता है वो बिल्कुल ही वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ ये आपका मोटो का है, मोटो का डायग्नोस्टिक पोर्ट हैज़ 3424 हैज़। तो दोस्तों ये था हमारा डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करने का, क्योंकि हम आपको बता दें, पहले बता दें आपको कि यह डायग्नोस्टिक पोर्ट पे ही वर्क करेगा, डायग्नोस्टिक पोर्ट में ही आपका ये वर्क करेगा। आप इसमें क्यूटी लोडर 9008 कॉलकॉम पोर्ट ईडियल मोड पे आप नहीं कर सकते हैं, आप इसको रिपेयर करना है तो आपको डायग्नोस्टिक मोड पे ही आपको रिपेयर करना होगा। तो चलिए अब आपने डायग्नोस्टिक पोर्ट को जान लिया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें आपको क्यूसेंट फाइल, जिस MI फ़ोन या Redmi फ़ोन की बेस बैंड चली गई है उसकी क्यूसेन की फाइल होती है। क्यूसेन फाइल बेस बैंड नेटवर्क की फाइल होती है। मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर दूं, क्यूसेन एक बेस बैंड नेटवर्क की फाइल होती है। तो उसको आपको क्यूसेन फाइल आपको चाहिए, तो क्यूसेन फाइल, तो मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि आप क्यूसेन फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है। आपको गूगल में जाना है, लिखना है MI क्यूसेन फाइल, QCN फाइल, क्या लिखना है दोस्तों, MI क्यूसेन फाइल, ये आपको MI क्यूसेन फाइल लिखना है। तो इसमें लिखा सौमी रिपेयर क्यूसेन फाइल 100% टेस्टेड डाउनलोड, आपको यहाँ पे जाना है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें जिससे कि आप इसको रिपेयर कर पाएंगे। सौमी क्यूसेन फाइल, ये एक बेसमेंट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी क्यूसेन फाइल आ गई। आप क्यूसेन फाइल मिलती है ठीक है, आप क्यूसेन फाइल नहीं मिलती है तो आप क्यूसेन फाइल बना भी सकते हैं। आपको अगर नेट में, गूगल में, यूट्यूब से, जहाँ से भी क्यूसेन फाइल मिले उस मॉडल की, जिस मॉडल की हमारी बेसबैंड गई हुई है, आप उसका Note 4, Redmi Note 4, MI Redmi 1S, ये सब की क्यूसेन फाइल है, आप ये क्यूसेन फाइल देंगे तो उनका बेसबैंड रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि बिना क्यूसेन फाइल के आप बेसबैंड रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ, अब जैसे सपोज मैं लेके चलता हूँ Redmi Note 3, तो ये Redmi 3 का लेके चलते हैं दोस्तों, ये Redmi Note 3 का लेके चलते हैं। तो ये आपके लिंक है, आपका है एक मीडिया फायर है, ये आपका गूगल ड्राइव है, एक आपका मेगा है। तो हम इसमें ले लेते हैं Redmi Note 3 का, जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, डाउनलोडिंग हमारी हो भी गई है। और ये देखिए Redmi Note 3 का, ये हमारी क्यूसेन फाइल है, बेस बैंड, ये हमारी नेटवर्क की फाइल है। हम इसे कट करके डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, हम इसे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारी वो क्यूसेन फाइल आ गई। अगर क्यूसेन फाइल आपको नहीं मिलती है तो आप क्यूसेन फाइल बना भी सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एसए टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा। और एसए टेलीकॉम ज्वाइन करिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, MMC, और दोस्तों मैं आगे चल के और भी अपडेट होने वाले हैं, आईफोन तक का मतलब फुल कोर्स हम यहाँ पे कराते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो अब इसे Stack 2 करेंगे, ये हमारा क्यूसियन फाइल, ये हमारी क्यूसियन, ये हमारी नेटवर्क की फाइल हो गई दोस्तों। मैं बता दूँ ये हमारा नेटवर्क की फाइल हो गई है। आप एक क्यूसेन फाइल से आप जिस मॉडल का क्यूसेन चाहिए आप उस मॉडल का क्यूसेन बना सकते हैं। ये प्रॉपर Redmi Note 3 का क्यूसेन है, आप जो भी Redmi Note 3 का क्यूसेन आएगा आप उसे ये फाइल दे सकते हैं, नहीं तो आप फ्लैश फाइल डायरेक्ट फॉर्मवेयर से फ्लैश कर दो, आपका बेसबैंड आ जाएगा। चलिए, तो अब इसे हमने क्यूसेन फाइल ले लिया है, अब आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपको करना है, आपको इस टूल के माध्यम से इसको फ्लैश करना है, राइट करना है क्यूसेन फाइल को। तो आप QPST टूल के माध्यम से आप इसको फ्लैश करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो हमने इसको ये क्यूफिल या फिर QPST टूल इसे बोलते हैं, तो हमने इसे खोल लिया है। अब इसे करना क्या है आपको मैं बता दूं, अब इसे करना कुछ भी नहीं है, अब इसे आपको जाना है टूल में, जाना है दोस्तों आपको टूल में, ये टूल जैसा आइकन दिख रहा है, ये आपको टूल में जाना है। फिर आपको ये लिखा हुआ है क्यूसेन बैकअप रिस्टोर, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्यूसेन बैकअप रिस्टोर, आपको क्यूसेन बैकअप रिस्टोर में जैसे ही जाएंगे एक टैब खुल जाएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, उससे पहले आपको पोर्ट बनाना है, यहाँ पे लिखा है नो पोर्ट अवेलेबल, उससे पहले आपको पोर्ट बनाना है। तो पोर्ट आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट चाहिए,
तो डायग्नोस्टिक पोर्ट के लिए हमने सारी चीज़ें शुरू में आपको बता दी है, जब तक डायग्नोस्टिक पोर्ट नहीं बनेगा तब तक आपका बेसबैंड रिपेयर नहीं होगा। तो आपको हमने पहले ही बता चुका है, तो आपको इसमें सबसे पहले पोर्ट सेलेक्ट करना है, डायग्नोस्टिक पोर्ट सेलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको काम करना है, फिर आपको टूल में जाना है, क्यूसेन बैकअप में जाना है, फिर आपको फाइल देनी है जो कि हमने क्यूसेन की फाइल लोड करके रखी हुई है। आप क्यूसेन की फाइल बना भी सकते हैं और आप क्यूसेन की फाइल रीड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ब्राउज़ पे जाएंगे, ब्राउज़ के जाने के बाद जहाँ हमने जो फाइल को रखी थी, तो दोस्तों मैं बता दूँ मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई थी, और यहाँ पे ये देखिए क्यूसेन की फाइल है, ये देखिए रेडमी नोट 3 क्यूसेन। अब इसको हमें दे देना है, बस हम अपने दे दिया है दोस्तों। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको केवल और केवल रिस्टोर क्यूसेन करना है डायग्नोस्टिक पोर्ट होने के बाद। जैसे डायग्नोस्टिक पोर्ट होगा, अब आप केवल और केवल रिस्टोर क्यूसेन कर दीजिए, आपका बेसबैंड आ जाएगा, बेसबैंड आपका रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों अगर क्यूसेन फाइल नेट में मिलती है, गूगल में मिलती है, यूट्यूब में मिलती है, कहीं पैड मिलती है, तो आपको क्यूसेन फाइल चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपका बेसबैंड रिपेयर होगा। नहीं तो आप एक बार क्या करिए, आप अपडेटेड फाइल से फ्लैश कर दो तो ये आपका क्यूसेन बेसबैंड नेटवर्क की फाइल आ जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो मैंने शुरू में बताया था फ्रेशर के लिए है, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे टेलीकॉम में सीखने आते हैं, हम उन्हें एक बैकअप सपोर्ट सब कुछ देते हैं, और जैसा कि जो भी नया अपडेट आता है हम उन्हें देते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपका यहाँ पे लास्ट प्रोसीजर यही था, आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट पे सेलेक्ट करना था और रिस्टोर क्यूसेन। और छोटा सा अपडेट मैं बता दूं, आप यहाँ से किसी भी फ़ोन का क्यूसियन बैकअप भी बना सकते हैं, पर वो पर्सनल बैकअप होता है, हम उसे एडिटिंग करनी पड़ती है, वो आपको करना होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।